साथियों नमस्कार, मैं के मिश्रा कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, साथ ही निवेदन करता हूं कि आप चैनल के मिश्रा कौशल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों आज मैं अपने चैनल के मिश्रा कौशल के फर्श से अज तक में आप सबके समक्ष जिंदगी के वो यादगार पल जिसकी तमन्ना हर व्यक्ति के जीवन में जरूर होती है। आज मैं अपनी पूरी 59 साल की लाइफ में सिर्फ सोचा करता था कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर ये क्या है, तो कई बार माता रानी की कृपा से मुझे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के कारण, जो कि मेरे एक मित्र के द्वारा मुझे, मैंने कई बार इस वीडियो में इस बात को बताया भी है कई वीडियो में, कि मुझे उसके द्वारा जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मैं जम्मू तक तो कई बार गया, कई बार पटनी टाप शिवखोड़ी और जम्मू दर्शन और सब ये करके मैं वापस आता रहा, लेकिन मेरे मन में ये हमेशा रहता था कि मेरा एक बार श्रीनगर और कश्मीर घूमने का भी अगर अवसर प्राप्त हो, वो कैसा है, वहां की वादियां कैसी हैं, वहां के निवासी कैसे हैं, वहां लोग क्या है। लोग कहते हैं कि धरती का स्वर्ग ही कश्मीर में है, तो हम उस स्वर्ग को देखना चाहते थे, जो धरती का स्वर्ग है, जो प्राकृतिक वहां सुंदरता है, वहां के वो उस वातावरण में एक बार जाने का मन था। और ईश्वर की कृपा से इस बार ये बहुत जल्दी अभी हाल ही में आपके सबके जानकारी में है, मैं लगातार वीडियो दे रहा हूं। मुझे 20 जून से यात्रा प्रारंभ हुई और 21 जून को हम लोग उधमपुर उतर करके एक गाड़ी जो हमने ट्रेवलर करी हुई थी, आज मैं उस दृश्य की जो मेरी गाड़ी थी वो बहुत ही शानदार, विक्की शर्मा उसके ड्राइवर थे, मालिक भी थे, उन्होंने मुझे वो मैंने उनसे बात किया, कांटेक्ट में हमारी उनसे बात हुई, हमारा वो बहुत अच्छा उनका हमारा आपस में तालमेल रहा, और उनकी बहुत ही न्यूली गाड़ी थी, एक बार केवल गाड़ी वो और कभी कश्मीर गई थी, दूसरी बार मेरे साथ जा रही थी, तो मैं बीच में उस गाड़ी के साथ हमारे जितने भी मेंबर थे जिन्होंने इंजॉय किया, मैं एक एक करके उनके जो वीडियो आपका वो दे रहा हूं, जिससे आप वो देखे कितने लोग उत्साहित थे, कितना खुश थे उस इस पूरे वातावरण में, रास्ते में कितना वहां के देख देख दृश्य पहाड़ और सुंदर प्राकृतिक छटा। और इसके बाद मैं रास्ते में दूसरे दिन जब यात्रा हम प्रारंभ करते हैं सोनमर्ग के लिए जाते हैं, सोनमर्ग और गुलमर्ग और पहलगाम, ये तीन बहुत विशेष स्थान थे जिनको पहला दिन हम लोगों ने सोनमर्ग चुना। सोनमर्ग के रास्ते जाते हुए एक छोटा सा एक बिंदु पॉइंट पड़ा जिसका भी वीडियो मैं आपको इसी में जोड़ रहा हूं, उसको भी आप लोग देखें और एंजॉय करें। साथियों अब चूंकि मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आपको सबको वीडियो मैंने वो भी दिखाने हैं जो मैंने रास्ते में शूट किए थे, मैंने इसी में लगा रखा, आप जरूर पूरे वीडियो को देखें और अंत तक देखें। मेरे साथ इस यात्रा में मेरे अलावा मैं सबसे बड़ा उस पूरे ग्रुप में था, मैं स्वयं के मिश्रा, मेरी बहन रमा तिवारी जी, साथ में हमारे सारे दामाद के सभी भाई, मेरे बड़े दामाद संदीप अवस्थी जी, निकिता जी, और साथ में उनके जो बड़े हमारे दामाद जो छोटे वाले थे उनके बड़े भाई रोहित तिवारी सालनी जी, इसके बाद सुमित तिवारी रेशु जी, और साथ में हमारी बेटी और दामाद राहुल तिवारी गीतिका जी, और इसके बाद उनकी बड़ी एक और बहन हमारी भांजी हमारी क्षमा तिवारी जी, और इन सभी के रोली तिवारी हमारी भांजी, इसके बाद सभी छोटे छोटे बच्चे जिसमें सोना तिवारी, आशु तिवारी, इसके बाद रिद्धि के साथ साथ विधु, क्रश और वो नूनू, इसके बाद हमारी शिवन्या और शिवाय, ये लगभग सभी बच्चे इतना एंजॉय किया उस गाड़ी में, आप देखेंगे वीडियो में, आप जरूर देखें अंत तक वीडियो मेरा, अंत तक देखेंगे तो आपको लगेगा कि लोग कितने सभी ढंग से इससे एंजॉय करते हुए इस यात्रा को कर रहे थे। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आप सबको भी जीवन में एक बार कश्मीर जाने का, श्रीनगर घूमने का अवसर जरूर प्राप्त हो। आज का वीडियो यहीं से मैं आपको अपने साथ अन्य वीडियो को साथ जोड़ करके आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मेरा निवेदन आपसे यह है कि वीडियो अंत तक देखें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, देखने को मिलेगा, एंजॉय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार और बहुत बहुत आभार। अंत में हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। We'll be right back.
बोले हम लोग देखो मम्मे रोशनी राहुल वे टू सोनमर्ग। इस समय हम लोग सोनमर्ग के रास्ते पर हैं और साथ ही एक बहुत अच्छा पॉइंट है जिस पे हम सभी लोग चाय के लिए रुके हुए हैं। इस पॉइंट पर ये रेस्टोरेंट है, आप देख रहे हैं। रेस्टोरेंट पर रुक करके हम लोगों ने चाय और नाश्ते के लिए यहाँ गाड़ी रोकी है, लेकिन ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, बहुत अच्छी इसमें फीलिंग हो रही है और बहुत अच्छा। आप देख रहे होंगे इसमें बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अरे वाह, एक से एक हीरोइन इसमें है, बहुत सारे लोग हैं। आओ मेरे मोबाइल वाले, नए वाले मोबाइल।